दे रहे हैं कुछ वाइफ को कि नहीं? कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। फिर चौकीदार आप हैं, आपकी पत्नी है, आप कुछ इनको दे रहे हैं मेंटेनेंस? हमको अगर नोटिस मिलता तो जो हम रख नहीं, नहीं आप रखते, आपको इनके ऊपर दया नहीं करेंगे रख करके। आप ये बताइए आपकी सैलरी कितनी? 13,000 हमको जो एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर 13,000 जो रिकॉर्ड में है। आज की तारीख में 13,000 रुपया सैलरी होता है क्या किसी सरकारी नौकरी? चौकीदार हो जो रहे तो चौकीदार है तो क्या हुआ? आप पर कॉस्ट लगाएंगे हम लोग, पेपर पब्लिकेशन तक हुआ है प्रभात खबर में, टेक कॉस्ट, टेक कॉस्ट, आई विल रिकॉर्ड योर कंडक्ट। एक बार जो मौका, कोई मौका मौका का सवाल नहीं है इसमें, मौका क्या है? आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, बच्चे को, हम उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। नहीं नहीं हुजूर, ये इन्हीं का एविडेंस है, वो दूसरी शादी कर चुके हैं, हमको क्या रखेंगे? जो भी है आपकी वाइफ और बच्चे के लिए दिया है, कितना कॉस्ट लगा है आपको बोलिए? वाइफ को वकील रखना पड़ा, जिसको एक रुपया मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं उसको वकील रखना पड़ा, और भी झाजी पूरा फीस लेके आते हैं, फीस का ही आते नहीं है। गरीबी देखे जी, गरीबी देखे। जो जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अलावा तो जो आप वकील हैं, आप इंस्ट्रक्शन की बात मत कीजिए, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यस मिस्टर मुखर्जी, 2019 मैटर लिमिटेशन पर है, उसके बाद तो जो सिचुएशन गड़बड़ हो गया तो पड़ा रह गया होगा। कितना डिले है? डिले हो जो बहुत दिन है, 1520 दिन का हो जो 1520 दिन तो है नॉर्मल। एक पार्टी हुजूर हो गया था, हमको पता नहीं था, मेंटेनेंस मैटर है, मेंटेनेंस मैटर सब वही होता है सब। आप लोग इग्नोर करके रखिए प्रोसीडिंग को, और उसके बाद एक बार प्ली ले लीजिए हाई कोर्ट में, 2019 से फाइल करके रखे हुए हैं। दे रहे हैं कुछ वाइफ को कि नहीं? कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। और आपको सैलरी कितनी मिल रही है? चौकीदार हुजूर है, 14,000। चौकीदार आप हैं, आपकी पत्नी है, आप कुछ इनको दे रहे हैं मेंटेनेंस? हमको अगर नोटिस मिलता तो जो हम रख नहीं, आप रखते, आपको इनके ऊपर दया नहीं करेंगे रख करके। हम आपकी वाइफ है और आप नोटिस मिलने की बात कर रहे हैं। आपको जब ये डायरेक्शन हुआ कोर्ट से, कितना 3,000 रुपया मात्र है, इसके लिए आप रिवीजन फाइल कर रहे हैं? 4,500 रुपया है, 4,500 रुपया। अगर वहाँ अपीयर करते नोटिस मिलता तो हम रखने के लिए तैयार हैं। वो सब मिस्टर मुखर्जी, यू नो दीज आर स्टीरियोटाइप आर्गुमेंट सर, हमेशा हर केस में सुन। आप ये बताइए आपकी सैलरी कितनी? 13,000 हमको जो एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर 13,000 जो रिकॉर्ड में है। कुछ तो बोलिए, कुछ खुल करके बताइए, ऐसे आप होल्ड क्यों कर रहे हैं? आज की तारीख में 13,000 रुपया सैलरी होता है क्या किसी सरकारी नौकरी में? चौकीदार हुजूर है तो चौकीदार है तो क्या हुआ? चौकीदार को तो रेगुलर वेतन भी हुजूर नहीं मिलता है, तो बढ़ के 30,000 हो गया। चौकीदार को तो जो रेगुलर वेतन भी नहीं मिलता है। कहाँ ये सब जो केस आपका नहीं है उसमें क्यों जा रहे हैं? जो जो रहा है 13,000 रुपया है, तो 13,000 में 4,500 4,500 दिया अगर आपकी वाइफ और बच्चे के लिए कोर्ट में। हम उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं, हम हुजूर है कि अभी भी है कि हम उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। नहीं नहीं हुजूर, ये इन्हीं का एविडेंस है, वो दूसरी शादी कर चुके हैं, हमको क्या रखेंगे? जो भी है आपकी वाइफ और बच्चे के लिए दिया है, 2015 का मेंटेनेंस केस है, 2022 में हम लोग हैं, और अब आप ये सब 4 साल के डिले के बाद रिविजन फाइल कर रहे हैं। चौकीदार हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं, हर को जानते हैं, और इनके खिलाफ केस है इनको पता ही नहीं। नोटिस हमको नहीं मिला था, नोटिस नहीं मिला था। एक बार पेज टू जजमेंट का ऑर्डर का पेज 2 पारा फर्स्ट में 5-6 लाइन के नीचे जब देख लिया जाएगा, नोटिस इशू हुआ है, मिला नहीं है, उसमें भी कहा है कि मिला है। आप पर कॉस्ट लगाएंगे हम लोग, पेपर पब्लिकेशन तक हुआ है प्रभात खबर में, टेक कॉस्ट, टेक कॉस्ट, आई विल रिकॉर्ड योर कंडक्ट।
एक बार हुजूर मौका, कोई मौका मौका का सवाल नहीं है इसमें, मौका क्या है? आप नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, बच्चे को। एक बार इनको रखने का हुजूर, इनका कौन है एम्प्लॉयर, कौन है जहाँ भेजना है इनको, बोलिए, डिडक्ट करेगा इनकी सैलरी से। कमाल कर रहे हैं आप, 2019 से रिवीजन 4 साल के डिले से लगा करके और एक बैठे हुए आप। तो बैठे हुए कहाँ, क्यों, आपने क्या भेजा आज तक बताइए? आप 50% भी दिया इनको, आपको ये समझ में आई कि हाँ हमारी वाइफ और बच्चे हैं, इनको कुछ तो भेजे हम मेरा परवरिश के लिए। मेरा हुजूर यही है कि हम रखने के लिए तैयार है हुजूर, इसको स्टूडियो टाइप माना जाए या फर्जी, ये सब जो हुजूर इंस्ट्रक्शन वही हुजूर के सामने में हम लोग बोलते हैं, ये सब आप भी समझ रहे हैं, आपको बोलने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा आप कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एडमिटेड आपका सैलरी जो है उसका 1/3 उसने दिया है कोर्ट ने, तो 1/3 आपकी वाइफ और बच्चे अगर हैं तो उसको नहीं दीजिएगा ना, तो क्या सिंपैथी आपसे होना चाहिए? पर हुजूर हम नहीं जा रहे हैं, हम हुजूर मेरा बस इतना ही सा है। आप कानून पर जाइएगा नहीं, आप जो है कोई अदर कंसिडरेशन, जो सेक्शन 125 CRPC क्यों लाया गया? हुजूर के सामने बस उतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, I am considering your submissions, but it is not appealing me. रखना नहीं रखना वो मेडिएशन में जाइए, वहाँ जाकर के फाइल कीजिए एप्लीकेशन कि हम रखना चाहते हैं। आपने आज तक कोई पिटिशन फाइल किया है? फाइल किया है, एक्सपार्टी ही हो गया तो फिर अब क्या करेंगे हुजूर? हम एक्सपार्टी ही हो गया तो फिर हमारे पास अब मेरे पास तो मेरे पास कहने का जगह खत्म हो गया ना, तो कहने के लिए आज का दिन रखे हुए थे क्या मुकर्रर कि जब कोर्ट में केस होगा तब बोलेंगे? जब हुजूर पता चला हम जो रिवीजन फाइल किए, रिवीजन के बाद हुजूर मुखर्जी साहब आपने मुखर्जी साहब आपने आज का दिन मुकर्रर कर रखा था कि जब कोर्ट में कॉल होगा तब हम ये बात बोलेंगे, उसके पहले नहीं बोलेंगे? आपको हुजूर जब बोलने का मौका मिलेगा तभी ना बोलेंगे। कितना कॉस्ट लगा है आपको बोलिए? वाइफ को वकील रखना पड़ा, जिसको 1 रुपया मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं उसको वकील रखना पड़ा, और भी झाजी पूरा फीस लेके आते हैं, इतना फीस का ही आते नहीं है। गरीबी देखे, गरीबी देखे इसका। आप फीस नहीं लिए हैं तो ठीक है, वो आपकी मानता है, लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं कि आप बिना फीस का नहीं आते। सारी फ्रिवलस बात ये कह रहे हैं, छोड़िए ना, आप बहस क्यों कर रहे हैं, इनको सोचने दीजिए थोड़ा, कुछ तो इनके अंदर की वकालत के बाद कुछ तो बात आएगी ना कहीं, रीजनेबल, ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग। वकालत थोड़ी देर करेंगे उसके बाद मुखर्जी साहब सोचेंगे कि क्या सही वकालत कर रहे हैं इस केस में। जो जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अलावा तो जो आप वकील हैं, आप इंस्ट्रक्शन की बात मत कीजिए, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इन यूपी लॉ ऑफिसर्स केस, आई ऑलवेज रिमाइंड मायसेल्फ आल्सो एंड द बात भी हुजूर नहीं बोल सकते हैं, जो हुजूर के सामने में हम नहीं रख सकते। अ लॉयर इज नॉट अ पैरेंट इन द हैंड ऑफ द हुजूर नहीं बोल सकते हैं जो हुजूर के सामने में हम नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए और कुछ है हुजूर के सामने में तो रख ही दिए हैं, एक बार चांस हमको मिलना चाहिए कि वो, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, दैट इज ऑलवेज ओपन टू यू। हु स्टॉप यू? उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत थी क्या? अपनी वाइफ को घर लाने के लिए मेडिएशन में जा करके समझौता करके घर लाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत थी क्या?